इस दिलचस्प और बहुत ही अहम वीडियो में हम आपको 5 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे जो कि यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और दीगर ऑनलाइन काम करने वालों के अलावा आम इंसान के भी बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो आइए उन 5 वेबसाइट्स के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। आज की हमारी पहली वेबसाइट है same.energy। सामान ये एक तरह का ब्राउजर है, इस पे आप मुख्तलिफ किस्म की पिक्स को सर्च कर सकते हैं। सिर्फ पिक्स ही नहीं, इसके अलावा भी आप इस पे कुछ फाइल्स वगैरह या दीगर चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इस पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड ही वो चीज़ें आपको ब्राउज़र में खोल कर दिखाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक पिक क्लिक किया जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है, तो अब आपने उस पिक पे क्लिक कर दिया तो अब ये जितनी पिक्स आपको खोलकर दिखाएगा वो सारी ब्लैक बैकग्राउंड के साथ होंगी। तो नाज़रीन, ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, इसमें बंदे को बहुत ज़्यादा चॉइस मिल सकती है। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इस वेबसाइट पर जाइए और फ़ायदा उठाइए और हमें दुआओं में याद रखिए। हमारी आज की दूसरी वेबसाइट है cleanup.pictures। ये बहुत ही काम की वेबसाइट है, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते, जो फोटोशॉप पे काम करना नहीं जानते और चाहते हैं कि उनकी कैप्चर की हुई फ़ोटो में से अगर कोई गैर ज़रूरी चीज़ को डिलीट करना हो तो वो आसानी से डिलीट हो जाए। तो इस काम को इस वेबसाइट ने बहुत ही आसान कर दिया है। सिंपली इस पर पिक्चर को जिसमें से आपने गैर ज़रूरी चीज़ को डिलीट करना है अपलोड करें, उसको ब्रश टूल से सिलेक्ट करें और उसको रिमूव कर दें। और सबसे अहम बात और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये पिक्चर क्वालिटी को ज़रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने देता। तो नाज़रीन, इस वेबसाइट को इस्तेमाल कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। तीसरी आज की हमारी वेबसाइट है pdfdrive.com। इस वेबसाइट पे 8.25 करोड़ फाइल्स यानी बुक्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ मौजूदात पर हैं। आपको जिस मौजू पर कोई भी किताब चाहिए, कोई भी बुक चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उसमें सर्च करें, ये उससे मिलते जुलते उससे रिलेटेड टॉपिक पर आपको हजारों लाखों किताबें खोलकर आपके सामने रख देगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त साइट है, इससे स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में बुक हैं जैसे एंटरटेनमेंट, बिजनेस, साइंस फिक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर बहुत सारे मौजूदात पर इस पर बुक्स पड़ी हुई हैं। तो ज़रूर इस वेबसाइट को विज़िट करें और इससे फ़ायदा उठाएं। आज की हमारी अगली वेबसाइट जो कि चौथी वेबसाइट है, उसका नाम है namechecker.com। जब भी आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई चैनल आप बनाना चाहते हैं यूट्यूब पर या इसी तरह की कोई और चीज़ जिसे आप ऑनलाइन भी रखना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उस नाम के रिलेटेड कितने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो नाम यूज़ हो चुका है। मिसाल के तौर पर आप कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसका आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, आप इस पर सर्च करेंगे तो ये आपको फ़ौरन बता देगा कि इस नाम से फेसबुक पर कोई अकाउंट है, ट्विटर पर है, इंस्टाग्राम पर है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, इससे आपको नाम रखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर आप काम करना चाहते हैं क्या उस नाम की वहाँ सहूलत मौजूद है। ज़रूर इस वेबसाइट को इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखें। दोस्तों, आज की हमारी आखिरी वेबसाइट है alternativeto.net। जिस तरह के तमाम यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और ऑनलाइन काम करने वालों को हमेशा ये मसला रहता है कि वो कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पेड निकलती है, उसके टूल्स पेड होते हैं, तो ये वेबसाइट आपको ये सहूलत फराहम करती है कि जो भी टूल या कोई ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पेड है, तो आप वही नेम, उस ऐप का नेम इस वेबसाइट पर जाकर सर्च करें तो ये सर्च करने आपको उससे मिलती जुलती
तमाम ऐप्स खोलकर दिखा देगा। और हमें उम्मीद है हमने इस वेबसाइट को यूज़ किया है उससे रिलेटेड फ्री ऐप्स मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ऐप ही इस पर ढूंढें, आप उससे मिलते जुलते कोई फाइल ढूंढ सकते हैं, कोई वेबसाइट ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़े ही काम की साइट है, इसको ज़रूर विज़िट करें और विज़िट करके इससे फ़ायदा भी उठाएं। जी तो नाज़रीन, आज की मालूमात से भरपूर वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने